पिछले 50 सालों से मिर्च की दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाली मोहनलाल ओमकारलाल अग्रवाल कंपनी की वृंदावन लाल मिर्च पाउडर अभी लेने के लिए अपने नजदीकी स्टोर पर संपर्क करें। जैन साहब, एक अति प्राचीन घंटा घर पे घंटा लगा हुआ था, आज आपने और नगर निगम की टीम ने सबने मिलकर उसको ढूंढा है। इस घंटे का काम क्या था बेसिकली खंडवा में? ये जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो खंडवा शहर है, जो इसका हृदय स्थल घंटाघर है, घंटाघर यानी एक बहुत ही अच्छा एक स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। और घंटाघर का विशेष महत्व है कि एक अति प्राचीन यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने का यहाँ पर अष्ट धातु का एक घंटा कम से कम 80 से 85 किलो का एक घंटा यहाँ पर हुआ करता था, जो कि बराबर लोगों को जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो प्रति घंटे 1 बज रही 2 बज रही 3 बज रही 12 बजे के घंटे बजते थे। और घंटे की जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धुन जो है पूरे शहर में सुनाई देती थी, बहुत ही अच्छी उसकी सुंदर आवाज़ और बहुत ही अच्छा उसका वो आवाज़ के कारण बहुत ही मशहूर घंटाघर था वो। साथ ही एक इसमें हम देखते हैं कि पूर्व ज़माने में ना मोबाइल थे ना टेलीफोन की व्यवस्था थी, ऐसे में किसी के यहाँ जब आग लग जाती थी तो वो घंटाघर अब आकर जब घंटा लगातार घंटाघर घंटा बजाते थे तो तुरंत फायर विकेट जब फायर स्टेशन नगर निगम के पास हुआ करता था वहाँ से सीधी गाड़ी आती थी और जानकारी मिलती थी कि इस जगह पर आग लगी है, तो एक आग बुझाने का भी बहुत बड़ा माध्यम वो घंटाघर हुआ करता था। और जैसे कि पहचान ही हमारे शहर की जो हृदय स्थल है घंटाघर, वो घंटाघर की उसी घंटे से पहचान थी। और आज हम देखते हैं कि वो कई विगत कुछ खराबियों के कारण उसको उतार के वो भंडार घर में रख दिया था, लेकिन हमने उसको निकाला, हमारी महापौर जी से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक प्राचीन चीज़ को हम वापस इस बार लगाएंगे व्यवस्थित रूप से। और निश्चित में जब सबसे बड़ी बात ये रहती है जो घंटाघर पर जो घड़ियाँ हैं, हमने लगातार हमारे में जब पार्षद भी था जब भी प्रयास करें, लेकिन हमने अच्छे से ऊंची घड़ियाँ भी लगाकर देखा, लेकिन मौसम के कारण क्योंकि बहुत हाइट पे होती है 40 फुट के ऊपर पे जब घड़ियाँ लगती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का महत्व उतना ज़्यादा नहीं रह जाता, क्योंकि उसको गर्मी भी सहन करना है, ठंड भी सहन करना है और बरसात भी सहन करना है, उसके कारण उसके जो पूरे सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं और उसमें समय का अंतर आ जाता था। तो हमने ये देखा है, 2 या 3 बार हम घड़ी लगवा चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बंद हो जाती है। और एक जैसा कि मान्यता है कि हमारे सभी प्राचीन घरों में हमारी पुरानी मान्यता है कि जब जिस प्रकार यदि घर में घर के अंदर यदि घड़ी बंद हो जाती है तो उसको हम तत्काल हटा देते हैं, क्योंकि अपशगुन माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम घड़ियों को अब ना लगाएं, क्योंकि यदि घड़ी लगी तो है, लाखों रुपये की घड़ियाँ लगी है, लेकिन यदि बंद है तो कहीं ना कहीं शहर का भी वास्तु उससे बिगड़ा हुआ है। तो हमने यह इस बार का प्रयास करा कि अब घड़ी को लगाना बंद करें, घड़ियों को निकाल दें और जिस प्रकार एक प्राचीन घंटा हुआ करता था घंटाघर को लगाएंगे। और नई कोई तकनीक से जो पट्टियाँ भी चलती है जिससे कि पट्टियों के माध्यम से जो खराब नहीं हो तो वो समय का निर्धारण करने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। और ये जो पुरानी घड़ियाँ उनको निकाल कर नए घंटाघर को हमने खोज लिया और उसको पूरी तरह से पॉलिश करवा कर शीघ्र मतलब 8 से 10 दिनों के अंदर उसको पिल्लर के माध्यम से खड़ा करके एक भव्यता रूप उसको दी जाएगी, एक पहचान जो घंटाघर की वापस उसको जीवित करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं वास्तु, हालांकि हमारी सरकार और हमारी नगर निगम प्रशासन लगातार विकास कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं वास्तु दोष हो। और अभी हम जानते हैं समझते हैं कि जब ये घंटाघर लग जाएगा, ऐतिहासिक धरोहर थी, ऐतिहासिक पहचान थी, यदि लग जाएगा तो निश्चित तौर पर खंडवा का विकास दिखने लगेगा। परिचय दीजिए। सुनील जैन। पिछले 50 सालों से मिर्च की दुनिया में खंडवा का नाम रोशन करने वाली मोहनलाल ओमकारलाल अग्रवाल कंपनी की वृंदावन लाल मिर्च पाउडर अभी लेने के लिए अपने नजदीकी स्टोर पर संपर्क करें।